हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप में डीवीडी को कैसे लगा सकते हैं और जो डीवीडी में हमें कई सारा जो फाइल वीडियो वगैरह भेजना होता है उस फाइल को हम अपने लैपटॉप से कैसे डीवीडी में कोई भी फाइल को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको डीवीडी लगाना नहीं आता है तो मैं आपको दोस्तों सिखा देता हूं कि आपको डीवीडी कैसे लगाना है। दोस्तों यहां पे देख सकते हैं, दोस्तों मेरे पास एक डीवीडी है तो मुझे इस डीवीडी को लैपटॉप में इंसर्ट करना है, लगाना है। तो दोस्तों डीवीडी को लगाने के लिए आपको लैपटॉप के साइड में एक स्लॉट दिया रहता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाता है, देख सकते हैं, इसी बटन को आपको दबा देना है दोस्तों, तो हमारा जो डीवीडी इंसर्ट करने का ऑप्शन है वो निकल के बाहर आ जाएगा। तो मैं इसे दबा देता हूँ और दबा देने के बाद हमारा डीवीडी का जो ऑप्शन है वो आके आ चुका है हमारा बाहर। अब दोस्तों आपको इस पे अपना जो डीवीडी आप लगाना चाहते हैं उसे आप अच्छे तरीके से लगा सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ से डीवीडी को लगा देता हूँ कुछ अच्छी तरीके से, और लगा देने के बाद दोस्तों आपको इसे अंदर की ओर भेज देना है दोस्तों इसे। तो मैं यहाँ पे इसे लगा के भेज देता हूँ। तो दोस्तों हमारा डीवीडी जो है हमारे लैपटॉप में लग चुका है, और लग जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसे अंदर की ओर भेज देना है। तो मैं इसे यहाँ से अंदर की ओर भेज देता हूँ, और भेज देने के बाद दोस्तों आपके लैपटॉप में ऑटोमेटिकली वीडियो प्ले हो जाता है, डीवीडी का जो वीडियो होता है प्ले हो जाता है। और मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। दोस्तों मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो डीवीडी का वीडियो है वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता है, किसी किसी डीवीडी में जो वीडियो होता है प्ले हो जाता है। अब दोस्तों आपको अपना डीवीडी का जो फाइल है उसे खोलना होता है तो हमें माई कंप्यूटर ओपन करना होगा, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो हमने डीवीडी को इंसर्ट किया है, लगाया हुआ है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप इसे ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, हमें अपने लैपटॉप की फ़ाइल को अपने डीवीडी में ट्रांसफ़र करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने माई कंप्यूटर की फ़ाइल को ओपन कर लीजिए। तो मैं यहाँ से अपने माई कंप्यूटर की जो फाइल है उसे मैं ओपन कर लेता हूँ, जो भी मुझे वीडियो फ़ोटो भेजना है तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। और ओपन कर लेने के बाद आपको कोई भी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिसे भी आप अपने डीवीडी में भेजना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ से ओपन कर लिया है, और ओपन कर लेने के बाद दोस्तों मैं यहाँ से जैसे कि मुझे इस डाउनलोड फोल्डर को भेजना है अपने लैपटॉप में, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। इसमें जो हमें गाने या मूवी वगैरह होंगे आपके फोल्डर में वो यहाँ पे दिखाई देंगे, तो मैं इन्हें मैं सभी को भेजना चाहता हूँ। हमारे पास तीन फोल्डर्स हैं, सॉरी दो म्यूज़िक हैं, तो मैं इन्हें भेजना चाहता हूँ। तो आप एक एक करके भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से कंट्रोल ए को प्रेस करके इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, और सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बर्न का, तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं बर्न का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे डीवीडी में जो है हमारे वीडियो ट्रांसफ़र होने लग जाएंगे। तो मैं इसी बर्न के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे जो वीडियो हैं वो हमारे डीवीडी में ट्रांसफ़र होने लग जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारे वीडियो जो है हमारे डीवीडी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हमारे लैपटॉप के वीडियो हमारे डीवीडी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं दोस्तों। तो अभी मैं आपको यहाँ से अपने डीवीडी का वीडियो जो हमने भेजा है अपने डीवीडी में, तो उसे मैं आपको प्ले भी करके दिखा दूँगा दोस्तों। यहाँ से मैं डीवीडी फोल्डर को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आपने जो भी अपने वीडियो भेजे होंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे। मैं इसे ओपन करता हूँ, यहाँ से मैं राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लेने के बाद देख सकते हैं दोस्तों हमने जो भी वीडियो सॉन्ग वगैरह भेजे हुए हैं अपने डीवीडी में वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ से अपने वीडियो को एक प्ले भी आपको करके दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसे कि मैं इस वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं हमारा जो डीवीडी का वीडियो है वो हमारे लैपटॉप में बड़ी आसानी से प्ले भी हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप डीवीडी की फाइल में भेज सकते हैं आप अपने लैपटॉप की वीडियो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अब दोस्तों आप अगर डीवीडी की फ़ाइल को अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाली हुई है अपने चैनल पे, तो जाके उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, नहीं तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले ऑप्शन को भी ऑन कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।